हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग हेयर कट। तो यहाँ पे इनके बालों में स्प्लिट इंट हो गए हैं, जिनकी वजह से ये अपने बालों को थोड़ा सा शॉर्ट करवा रही हैं। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में। मैंने बैक साइड से इनके बालों को शॉर्ट किया है और आगे थोड़े से मैंने लेयर्स दिए हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है इनके लॉन्ग हेयर्स और इन्हीं पे मुझे आज कटिंग करनी है। ये मेरी पुरानी क्लाइंट है, आपने इनका यू कटिंग वाला वीडियो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। अभी ये खुद बताएंगे कि कितने बाल इन्होंने निकलवाने हैं। इनके बाल नीचे से हैं, मुझे करीब 5 से 6 अंगुल निकालने हैं। और क्यों निकालने हैं, क्योंकि इनके बालों में हो गया है स्प्लिट इंट। तो नीचे से अगर थोड़े से बाल मैं कट कर दूंगी तो इनके जो है स्प्लिट इंट कुछ हद तक निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वाटर स्प्रे किया है, लॉन्ग हेयर है, यहाँ पे मैंने वाटर स्प्रे किया है और बालों को अच्छी तरह से टैंगल फ्री किया है। आप सबको पता है कटिंग करने से पहले बालों को हम टैंगल फ्री करते हैं। तो बैक साइड से इनके बाल यू थे लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेट करवाया है, तो थोड़ी सी मैंने गाइडलाइन निकाल ली है और अब मैं उसको कट करने वाली हूँ। तो इस तरह से गाइडलाइन निकल गई है, आप देख रहे हैं। और अब उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने हाथों को रख रख कर बालों को कट कर लिया है। ये कटिंग बहुत आसान है अगर आप गाइडलाइन अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप बालों को उंगलियों में रख रख कर काटते हैं तो बहुत आसानी से कटिंग हो जाएगी और बहुत प्रॉपर होगी, बहुत अच्छी तरह से होगी। तो इस तरह से आप बालों को गीले करके अच्छी तरह से चिपका लीजिए। पहले बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए टिप्स है कि बालों को गीले करके टैंगल फ्री कर लीजिए और टैंगल फ्री करने के बाद बालों को अच्छी तरह से कॉम करके चिपका लीजिए। उसके बाद बीच से गाइडलाइन निकालिए और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप दोनों तरफ की कटिंग कर लें, उंगलियों पे बालों को लें और जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से कटिंग कर लें। उसके बाद बालों को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, तो अच्छी तरह से फिर से कॉम करें बालों को और उसके बाद फिर बालों को कर लें चेक। कोई भी कटिंग फिनिशिंग अच्छी आए, किसी भी कटिंग में फिनिशिंग अच्छी आए, इसके लिए बालों को अच्छी तरह से कॉम जरूर करना है। और अब देखिए दोनों तरफ के छोरों को मैंने मापा है तो ये बिल्कुल ही इक्वल है। तो इस तरह से आप अगर चेक कर लेंगे तो आपकी कटिंग एकदम प्रॉपर हो जाएगी। और अब हमने फ्रंट से थोड़े से लेयर्स लेने हैं। तो ये लेडीज़ हैं और लेडीज़ अपने बालों को ज़्यादा कटवाना नहीं चाहती, तो यहाँ पर चिन लेवल तक बालों को मुझे लेयर्स देना है। चिन लेवल तक गाइडलाइन लेनी है और उसके बाद बालों में थोड़े से लेयर्स डालने हैं। मैंने इनको कहा कि आगे की कटिंग करने से ही लगेगा कि बाल कट हुए हैं, बैक साइड से तो कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि इतने बाल गए नहीं हैं और बैक साइड से बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट कटिंग हुई है, तब इन्होंने फ्रंट साइड से थोड़ी सी कटिंग करवाई है। तो इस तरह से आप भी अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं। और आप देखिए कि लेयर्स कैसे निकालते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं लेयर्स की, अलग अलग तरीके से लेयर्स ले सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने बिल्कुल आसान तरीके से लिया है, आईब्रोज तक के बालों को, उतने ही बालों को कट करूँगी मैं। थोड़े से लेयर्स चाहिए इनको और इन्हें साइड बैंक्स के रूप में इनको रखना है। तो सेंटर पार्टिंग करते हुए मैंने दोनों तरफ के बालों को थोड़ा थोड़ा करके काटा है और जब साइड किया है तो उनके साइड बैंक्स तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से कॉम करिए और उंगलियों को थोड़ा सा तिरछा कीजिए और इस तरह से काट दीजिए। गाइडलाइन को सेट करते हुए कैंची भी तिरछी रखिए और इस तरह से कटिंग कर लीजिए। अब तक तो आप लोगों ने बहुत सारी मेरी कटिंग देखी है और बहुत सारी कटिंग मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ, आगे भी करती रहूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता और इसके साथ ही कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो देखिए साइड बैंग्स के लिए मैंने थोड़ी सी नोचिंग कर दी है, थोड़े से बालों को साइड पार्टिंग करते हुए लिया है हाथों में और उसको नोचिंग कर दिया। इससे एजेस जो होते हैं शार्प हो जाते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं। तो ये देखिए इनकी जो साइड बैंग्स है अच्छी तरह से निकल गए हैं और ये है इनके कटे हुए बाल। तो ज़्यादा बाल नहीं गए हैं इनके, फिर भी बैक साइड से तो बहुत अच्छे खासे बाल निकाले हैं मैंने। और अब देखिए ब्लो ड्रायर करने के बाद इनके बैक साइड का लुक, तो बहुत प्रॉपर ब्लो ड्रायर नहीं हुआ इनके बालों का लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल। लॉन्ग बाल तो वैसे भी अच्छे लगते हैं
और अब देखिए इनके फ्रंट साइड का लुक। तो ये है इनके कटे हुए बाल जो कि इनके ऊपर अच्छा खासा सूट कर रहा है। कटिंग के मेरे क्लाइंट मुझसे बहुत खुश होकर जाते हैं और इन्हें भी कटिंग मेरी काफ़ी पसंद आई है। और ये देखिए साइड से कितना अच्छा प्रॉपर सा लुक आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, लव यू ऑल। और हाँ, आप मुझे इंस्टा पे और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वही सखी ब्यूटी पर।